प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा ख़त्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके बना दिए। पहला है जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हुआ करती हैं, एक ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीत काल में जम्मू। ठीक, दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक, अब हम केंद्र शासित प्रदेश और भी देख लेते हैं। एक, ये 2 हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और तीसरा है चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। फिर उसके बाद है दमण दीव की राजधानी दमण है। ठीक, और दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। ठीक, आगे देखेंगे पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं हम लोग राज्य के बारे में। ठीक, तो ये हो गए हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य को देख लेते हैं। राज्य में यहाँ पे देखेंगे तो ये है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक, ये है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक, आगे देखेंगे कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक, आगे ये है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक, अब इसके बाद ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, यहाँ झारखंड की राजधानी रांची है। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक, आगे ये है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, आगे देखेंगे ये असम की राजधानी दिसपुर है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आगे आप देखेंगे इसके दक्षिण में मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम के पश्चिम में देखेंगे तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जो बांग्लादेश के पूर्व में है। और मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक, और इसके बाद हम और साउथ में चलते हैं। साउथ में ये आपने देख ही लिया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर। इसके आगे चलेंगे तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक, और इसके बाद छत्तीसगढ़ आपने देख ही लिया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इसके बाद आएंगे और जाएंगे तो ये है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक,
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी ये प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। फिर उसके बाद ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु है, बेंगलुरु है। ये गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश की को पढ़ चुके हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, ठीक। ये तेलंगाना है जिसकी राजधानी हैदराबाद है। आगे देखेंगे कि इधर आएंगे और साउथ में तो ये आपका सब तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक। और उसके बाद ये सबसे दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है ये है केरल। तो ये केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक। इस प्रकार से ये भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। आज यहीं तक, धन्यवाद।